अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर आई विल बी डूइंग दिस मेकअप। ये वाली मेकअप लुक है हमारी। लाइट की वजह से थोड़ी सी नज़र नहीं आ रही, बट लेट मी शो यू द क्लोज अप। आई होप कि यू गाइज लाइक इट। यहीं से इस टाइम पे मैंने लेंस लगाए हैं ताकि मेरी जो मेकअप लुक है वो थोड़ी ज़्यादा उठे, क्योंकि लेंस का कलर जो है वो बहुत लाइट सा एक्वा सा कलर है। इट्स टोपैज़ फ्रॉम सिद्रा लेंस कलेक्शन। मैंने इसका लिंक जो है पहले भी दिया हुआ है, आज भी दे दूंगी आप लोगों को। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वीडियो। और अगर आप मेरी वीडियो देखने लगे हो एंड यू आर अ रेगुलर सब्सक्राइबर, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ़ यू आर समवन न्यू और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एज वेल फॉर यू एज वेल। तो हाँ, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइज लेट्स स्टार्ट विद स्किन प्रेप। उसके अंदर आई विल बी यूजिंग जेनफॉर्म का मॉइस्चराइज़र और मैं इसमें मिक्स करूँगी क्वेंच सीरम। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन, यू कैन ऑलवेज स्किप दिस क्वेंच सीरम एंड जस्ट गो फॉर दिस वट एवर द जेल मॉइस्चराइज़र यू आर यूजिंग। तो आई एम यूजिंग दिस मॉइस्चराइज़र जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आई हैव रिव्यूड दिस। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ दिस सीरम ताकि मेरी जो स्किन है बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाए और फाउंडेशन लगाने के बाद बिल्कुल भी ड्राइनेस और फ्लेकीनेस मेरी स्किन के ऊपर ना आए। तो गाइज़ इन कंटिन्यूएशन टू माई प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर मैं वो भी मेरा एक वलीमा मेकअप लुक थी एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ फॉर मी टू गिव द इंटरव्यूज़ एंड एवरीथिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फाइनली गॉट अ वेरी आई गॉट इनटू अ वेरी गुड प्लेस। ठीक है, इसलिए जो है मैं यूट्यूब से थोड़ा सा गायब हो रही थी एंड आई एम बिजी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर प्रेयर्स। और मतलब आई एम हैप्पी एज वेल। तो बट कॉर्पोरेट लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट गाइज। मेरे पास बहुत से क्वेश्चन एंड आंसर्स थे, Q&As, जिसके जो कॉमेंट्स में थे कि वाई डोंट यू डू Q&A और वट आर यू डूइंग एंड एवरी थिंग। फॉर नाउ आई एम नॉट लेटिंग यू गाइज नो। मैं तब करूँगी व्हेन एवर आई फील लाइक इट कि हाँ यार आई शुड डू दैट। तो अभी के लिए वी विल फोकस ऑन मेकअप बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन माई यूट्यूब। अच्छा, तो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई विल बी यूजिंग इज दिस ग्लो SPF जो कि ऑलमोस्ट इतना सा रह गया। आई हैव बिन यूजिंग दिस वेरी वेरी रेगुलरली। माई कोड फॉर ऑर्गेनिक ट्रेवलर्स इज़ HA10। तो अगर आप लोगों को ये सनस्क्रीन बाय करनी है तो आप लोग मेरा कोड यूज़ करोगे तो आप लोगों को डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस O2O का प्राइमर। दिस इज़ हाइड्रेटिंग प्राइमर। जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा लेना है और डोंट स्किप दिस। तो हम लोग जो है ये लगाएंगे एंड बिकॉज आई वाज सेइंग कि आई विल बी गिविंग यू माय लाइफ अपडेट्स। तो हाँ यार गाइज आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एंटर्ड द कॉर्पोरेट लाइफ, बट आई डोंट लाइक इट। आई एम नॉट यूज टू इट। और मेरे लिए चीज़ें इतनी मुश्किल हो रही हैं कि मैं पहले दिन गई हूँ और मैं जब वापस आई हूँ आई वाज ऑलमोस्ट क्राइंग कि हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस, लेकिन आई हैव टू डू इट क्योंकि आई बिलीव कि आई एम समवन जिसके लिए आइडेंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं जो हूँ जॉब करना चाहती हूँ एंड आई वॉन्ट टू नो वट इज़ गोइंग ऑन इन माई फील्ड। ठीक है, तो इसीलिए जो है आई हैव जॉइंड कॉर्पोरेट लाइफ, वरना मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन की तरफ भी आराम से जा सकती हूँ बिकॉज ऑफ द सपोर्ट यू ऑल आर गिविंग। मुझे इतनी अच्छी सपोर्ट मिल रही होती है कि फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार आई शुड कंटिन्यू डूइंग दिस कंटेंट क्रिएशन रादर देन गोइंग फॉर द फुल टाइम जॉब थिंग। फॉर फाउंडेशन आई विल बी गोइंग फॉर O2O की फाउंडेशन। ये इस तरह की फाउंडेशन है। ठीक है, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। इसकी जो कवरेज है वो लाइट कवरेज है और ढोलकी मेकअप है क्योंकि, तो मैं फुल कवरेज के लिए नहीं जा रही। आई एम सिंपली गोइंग फॉर दिस लाइट कवरेज फाउंडेशन बाय O2O। वेरी वेरी रीज़नेबल और बहुत ही अच्छी है। ठीक है, टेकिंग दिस मच या थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं। दिस मच अमाउंट, थोड़ी सी इसकी देखो रनी पेस्ट है। यस, लाइक दिस। Q&As जो है ना, मैं Q&As की पहले बात कर लेती हूँ। Q&As जो है ना, मैं उनका जो है एक सेशन कर लूँगी, मतलब एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूँगी मैं Q&As की। लेट्स डू इट क्योंकि आई नो के मतलब पीपल नो मी नाउ ऑन Instagram एंड ऑन YouTube और इसलिए मेरे से लोग पूछ रहे होते हैं व्हाट डू यू डू एंड एवरीथिंग। तो वी आर गोइंग टू डू दैट एज वेल. थोड़ा सा लेट हो जाएगा लेकिन आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉमेंट वट एवर यू गाइज वॉन्ट टू नो. लेकिन कोई ऐसे वैसे कॉमेंट्स होंगे तो उसका मैं ऑफकोर्स रिप्लाई नहीं करूँगी. देख लेंगे, वी विल सी. तो आप लोग जो हो Q&As मुझे कॉमेंट्स में मेंशन करो और वी विल डू अ Q&A सेशन. ठीक है, थोड़ी सी मेरी स्किन के अकॉर्डिंग लाइट है बट क्योंकि जो फाउंडेशंस होती हैं दे ऑक्सीडाइज, तो मेरे हिसाब से कि ये कलर जो है ना जब इसके ऊपर कॉन्टोर और ब्रॉन्जर और ब्लश सब आ जाएगा ना तो इट विल लुक प्रिटी. ठीक है, तो यस. अच्छा यार, नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर दिस IQ ऑर्गेनिक का मॉइस्चराइज़र है और ये थोड़ा सा टिंटेड है. मैं इसको इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ना इसमें बहुत कोई प्यारी किस्म की ग्लो आती है. अभी देखना, ये देखो, पता नहीं इसमें क्या है, आई डोंट गेट इट बट इट्स वे टू ग्लोई. तो मैंने फाउंडेशन लगाने के बाद ना थोड़ा सा ये मॉइस्चराइज़र लगा लिया ऊपर ही. तो मेरी स्किन के लिए हल्का सा डार्क है लेकिन इट डजंट मैटर. मुझे नहीं होता कि बहुत चिट्टा चिट्टा लगे फेस, डजंट लुक गुड. तो गाइज लेट्स गेट टू मेरी जॉब का पहला दिन. यार मैं क्या बताऊँ, आई वॉज सो 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 डिप्रेस्ड पहले दिन कि मैं थी कि मैं कैसे करूँगी. मतलब इट्स बिन अ वीक और मैं अभी भी यही सोच रही हूँ कि मंडे आ जाएगा और मुझे जाना पड़ेगा. ठीक है, बाय द वे आई एम गोइंग फॉर दिस ऑरेंज ब्लश विच इज़ इन शेड पीच और ये है हमारा ग्लो ब्यूटी का. ठीक है, अच्छा खैर आई वाज सेइंग कि आई वाज सो 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 डिप्रेस्ड ऑन माई फर्स्ट डे और इवन बाकी दिनों में भी आई वाज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड क्योंकि मुझे था कि यार मैं यूनिवर्सिटी लाइफ छोड़ के कहाँ आ गई हूँ एंड आई रियली वॉन्ट टू गो बैक. आई वुड लव टू गो बैक टू माई यूनिवर्सिटी लाइफ बट इट इज़ व्हाट इट इज़ और थिंग्स विल गेट बेटर. तो हमें खुशी खुशी जो है काम करना चाहिए. तो दिस इज़ द ऑरेंज ब्लश दैट आई एम यूजिंग और ये इतना कोई प्यारा लग रहा है. आई थॉट कि अब हम पिंक से हट के कोई मेकअप लुक करते हैं क्योंकि आई एम ऑलवेज यूजिंग पिंक. तो लेट्स नॉट डू पिंक टुडे. मेकअप जो है ना उसमें कंजूसी नहीं करनी, भर भर के लगा लेना क्योंकि ना ये मेकअप आधा उड़ी जाना है मेरा. इन पे देखना मेरा ब्लश कितना कम हुआ होगा. ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा ब्लश डजंट लुक गुड लेकिन अभी जो है मैं इसलिए लगा रही हूँ कि मेरा उठ जाना है. ठीक है, ब्लश हमारा डन हो गया. अच्छा नेक्स्ट आई एम यूजिंग माई फेवरेट ब्राउ पॉमेड जो कि मैं हर वीडियो में यूज़ करती हूँ. तो आई ऑलवेज स्टिक टू दिस ब्यूटी आइकन बाय एमएन. उप्स, अच्छा तो आई हैव चेंज माई प्लान. बहुत सटल नहीं होगा मेकअप, थोड़ा सा ऐसे होगा कि वो नज़र आ रहा हो क्योंकि मैं सोच रही थी मैं हर बार इस तरह का मेकअप कर रही होती हूँ जो नज़र ही नहीं आ रहा होता. मतलब आ रहा होता है लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है. तो हम थोड़ा सा आईज़ को पॉप करते हैं और उसके लिए मैं ग्लिटर भी लेके आई हूँ. दिस इज़ द ग्लिटर दैट आई विल बी यूजिंग और ये है फ्रॉम कॉस्मालाइन इन शेड ड्रैगन स्केल. आई लाइट्स इनकी बहुत प्यारी होती हैं ग्लिटर्स. ठीक है, और आई एम यूजिंग दिस पैलेट फ्रॉम जैकलिन हिल. आप लोगों को इतनी महंगी नहीं खरीदनी. इसमें ब्राउन शेड्स हैं, इसमें ऑरेंजेस हैं तो आई एम गोइंग फॉर ब्राउन एंड ऑरेंजेस का मिक्स विद ऑरेंज ब्राउन वाली ग्लिटर. तो हाँ, टेकिंग दिस ऑरेंज शेड. ठीक है, वो पैलेट के अंदर ये वाला शेड है और इसको मैं लगाऊंगी ऑन माई आउटर कॉर्नर टू लेट यू गाइज नो कि मेरा असल में मेकअप किस तरह का लग रहा है. मैंने बिल्कुल भी कोई फिल्टर नहीं लगाया. थोड़ी सी मैंने ऑरेंज शेड को ब्लेंड इन कर दिया है अपने ब्राउन शेड के साथ. तो दिस इज़ हाउ माई मेकअप लुक्स राइट नाउ. So with the help of my finger, I will be adding this orange brown shade on my lid as a shimmer. It's very difficult to talk on camera अगर आप मेकअप कर रहे हो, especially eye makeup. So I'm skipping my rants. तो now is my favorite, most favorite part. ग्लिटर को हम बहुत ध्यान से लगाएंगे. उसके लिए मैं कॉस्मालाइन की ही ग्लू यूज़ कर रही हूँ और कॉस्मालाइन की ही ग्लिटर है. ठीक है, ग्लू लगाने के बाद मैं ग्लिटर लगाऊंगी और मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, लेकिन बाकी मैं सारा ऑफ कैमरा करूँगी वरना मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा. इफ़ यू आर न्यू टू मेकअप ना, तो प्लीज़ डोंट अप्लाई मेकअप फाउंडेशन, मतलब आई शेडो आप पहले करो और फिर फाउंडेशन के ऊपर आओ. मैं रिवर्स इसलिए कर रही हूँ, मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, तो आई कैन सेव माई मेकअप. लेकिन इफ़ यू डू दिस तो आपका मेकअप रुइन हो जाएगा, ग्लिटर आपके फेस पे आ जाएगी. ठीक है, ग्लू हमने लगा ली है और उसके कुछ सेकंड्स बाद मैं इसके ऊपर ग्लिटर लगाऊंगी. लाइनर जो है वो मैं ऑफ कैमरा लगा के आई हूँ बिकॉज आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू डू इट ऑन कैमरा. थोड़ा सा मेरा आई मेकअप इस तरह का लग रहा है. मैं लोअर लैशेस के ऊपर भी जो है ना थोड़ा सा ब्राउन और ऑरेंज मिक्स करके ऐड कर दूँगी, तो इट विल लुक वेरी प्रिटी विद लैशेस. दिस इज़ द मस्कारा दैट आई एम यूजिंग, माई रेगुलर मोस्ट फेवरेट मस्कारा आजकल का. अच्छा यार, मैं एक चीज़ सोच रही थी कि मेरा जो चैनल है ना यूट्यूब का, इट्स लाइक टू मच मेकअप, स्किन केयर. डू यू गाइज वॉन्ट टू वॉच समथिंग एल्स, कुछ भी विच यू गाइज प्रेफर, जो कि मेरी इसमें नहीं है, मेरी निश में नहीं आ रहा, बट यू गाइज थिंक कि वो होना चाहिए, तो डू लेट मी नो. ये बाय द वे ये शेड है मीना फ्रॉम ज़ेफाइड. आई थिंक दिस इज़ वेरी लाइट. थोड़ा सा मैं ऑरेंज ऐड करती हूँ, एडिंग दिस ऑरेंज रेज़न शेड. मैंने जो है किसी किस्म का फिल्टर ऐड नहीं किया ताकि आप लोग देख सको. एंड ओ माई गॉड, आई जस्ट लव दिस लुक. ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा अपनी लोअर लैश पे अगेन थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी और आई विल बी एडिंग लैशेस एज वेल. फॉर मैं क्या बोल रही थी, नाउ आई एम यूजिंग दीज टू कंसीलर्स. इग्नोर माई हैंड, ये हमेशा ऐसा ही होता है, बाद में मैं धो लेती हूँ. आई एम यूजिंग दीज टू शेड्स, ये मैं एज अ करेक्टर यूज़ करती हूँ. दिस शेड इज़ कैरामल. थोड़ा सा मैं ये ऐड करूँगी ताकि जब मैं हाईलाइट करूँ अपनी आइज़ को तो ये जो है ग्रे ना हो जाए जगह मेरा एरिया. ठीक है, उसके बाद बहुत लाइट शेड है, इसका नाम है एलाबेस्टर. ठीक है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ एज अ हाईलाइटर क्योंकि अभी हमारा फेस मेकअप पूरा नहीं हुआ. यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है इसको. आई विल बी एडिंग ऑन माई नोज, ऑन माई चिन एरिया and on my forehead, थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा यहाँ. So I got few requests on Instagram जो कि लोग मुझे कहते हैं कि why don't you give makeup classes. तो मैंने बहुत दफ़ा सोचा कि yes I should arrange online makeup classes, लेकिन I don't find time. Do let me know कि you guys want an online makeup class या फिर आई शुड रिकॉर्ड वीडियोज़ आप लोगों के लिए ऑन यूट्यूब, और आप लोग मेरे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स जो हैं फॉलो करते हो और आप लोगों को समझ आती है तो यू गाइज कैन वॉच माई यूट्यूब वीडियोज़. मैं स्पेशल बना दूँगी फॉर बिगिनर्स, लेकिन अगर आप लोगों को मेकअप क्लासेस चाहिए तो यू गाइज कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और या फिर आप लोग यहाँ कॉमेंट्स में कर दो तो आई विल अरेंज अ सेशन, ऑनलाइन सेशन फॉर फ्यू डेज़, और मैं आप लोगों को क्लासेस दे दूँगी. आई वोंट चार्ज दैट मच, रीज़नेबल होगा ताकि जिसने मेकअप सीखना है एटलीस्ट बिगिनर लेवल का वो आप लोग सीख लो. कैन यू सी द हाईलाइट कितनी अच्छी लग रही है, एकदम से जो मेकअप है ना वो उठ गया है, इसलिए जो है मैं इसके अंदर हाईलाइटर ऐड कर रही हूँ. और अगर कोई इस तरह का इवेंट हो रहा है ना और आप लोग हाईलाइटर ऐड करते हो तो आपका मेकअप बहुत एकदम से ना अच्छा लगने लग जाता है. हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है नोज़ पे. let's add contour, powder and everything, highlighter and whatever contour, highlighter and powder. मैं उसके लिए ये वाली palette use कर रही हूँ from Beautify by Amna और इसका कोई नाम नहीं है, ये बी ब्यूटी की रेंज है इनकी, ठीक है, आप लोग ख़रीद सकते हो। मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये भी Beautify by Amna का है और मैं इसमें से थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड जो है वो ऐड करूँगी। टैप इट ऑफ। अगेन आई डोंट हैव एनी ब्राइटनेस फिल्टर, ये बिल्कुल सनलाइट आ रही है और हम जो है यहाँ पे कॉन्टूर ऐड करते हैं। इट्स लाइक ब्राउन्जर कॉन्टूर मिक्स। अच्छा, तो इसी पैलेट के अंदर से मैं इनका जो पाउडर है वो ऐड कर रही हूँ। आई जस्ट पाउडर अंडर माई आईज ताकि मेरी यहाँ पे क्रीजिंग ना हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के बहुत अच्छे से अंडर आई सेट हों और आपको क्रीजिंग का ज़्यादा मसला है तो जस्ट गो फॉर अ पाउडर पफ। ट्राइंगल सा होता है, आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, जस्ट सर्च पाउडर पफ, आप लोगों को नज़र आ जाएगा। उससे आप लोग सेट करोगे, बिल्कुल भी क्रीजिंग नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। ये हमने पाउडर ऐड कर लिया है। Let's add shimmer and I'll complete my look and I will come back. तो for highlighter मैं यही palette use कर रही हूँ, इसका shade है star and I love 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 this palette. अब आप लोग सिर्फ इसका shimmer देखना। Wow, I just touched it. I will be adding to my nose, bridge of my nose, और इधर भी add करते हैं। I hope कि आप लोग मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हो। You guys learn how to do makeup, क्योंकि मैं बड़े ही beginner level से जो है ना सिखाना शुरू करती हूँ, ताकि if anyone comes on my channel और उसको makeup नहीं आता and you are going on any event or something, तो आप लोग आराम से मेकअप कर लो और पार्लर ना जाना पड़े। There is no reason for going to salons and paying a huge amount of money just for makeup, क्योंकि मेकअप यार एक स्किल है and you should learn it, everyone should learn it। अगर आप लड़की हो और आपको मेकअप करना पसंद है, आई थिंक हर कोई ऑलमोस्ट मेकअप कर रहा होता है, तो you should learn makeup। तो गाइज़ हेयर वी आर डन विद मेकअप, ठीक है। मैंने अपनी लोअर लैशेस के ऊपर भी ऐड कर लिया है थोड़ा सा ऑरेंज शेड, ऑरेंज सा शेड, ठीक है। और मैंने जो है अभी क्या किया था, मैं बात भूल गई। हाँ, मैंने लैशेस जो है अब लगा के आऊँगी। आई विल अप्लाई लैशेस और फिर हमारी जो है लुक विल बी कम्प्लीटेड। आई विल वेयर माई क्लोथ्स, माई ज्वेलरी एंड आई विल बी बैक। और मैं अभी आती हूँ। तो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक। मैंने जो है ऊपर का गाउन पहन लिया, इसके साथ दुपट्टा है, मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ। दिस इज़ द ज्वेलरी दैट आई एम वेयरिंग एंड आई लव दिस वन। जब मेरी बहन ने पहना था ऑन माई सिस्टर्स ढोलकी, मेरी बड़ी वाली बहन की ढोलकी पे, तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैंने क्यों नहीं ये मंगवाई। तो इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। और एकदम से मेरी जो लुक है ना वो उठ रही है। लेट मी शो यू द लुक इन सनलाइट, क्लोजअप से दिखा देती हूँ। आई एम वेयरिंग लैशेस बाय फ्लाइंग नाटे और दिस इज़ हाउ माई मेकअप लुक्स, ठीक है। आई होप यू गाइज डू लाइक दैट और येस, आई थिंक इट लुक्स वेरी वेरी परफेक्ट विद दिस मेकअप, विद दिस गाउन, सॉरी। और नेल पॉलिश मैंने चेंज नहीं की, मैरून जाती है इसके साथ, रेड भी चली जाती है, थोड़ी सी रेजन भी आप लगा सकते हो जिस तरह का मेकअप है, लेकिन आई थिंक मैरून एंड रेड विल लुक वेरी प्रिटी। पीछे से होके मैं थोड़ा सा अपना गाउन दिखा देती हूँ, प्लीज़ इग्नोर अलमारी के ऊपर मैस। तो ये है इसके साथ का दुपट्टा और दुपट्टा से भी बहुत अच्छी लुक आ रही है। आई विल बी वेयरिंग दुपट्टा अपने गले के साथ और आई होप माई कॉर्नर। हाँ, ये है हमारा दुपट्टा। बाल मैंने अपने सिंपली स्ट्रेट कर लिए हैं मुझे कोई कर्ल शर्ल नहीं चाहिए थे क्योंकि ढोलकी है और बाल स्ट्रेट, आई थिंक दैट गोज़ वेल विथ ढोलकी मेकअप लुक। तो अगर अभी तक आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और मेरा मेकअप आप लोगों को पसंद आया होगा, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा क्योंकि मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और मुझे बताना कि तुम लोगों को ये लुक कैसी लगी है, कॉमेंट्स में बताना। मैं कॉमेंट्स ना बड़े ईगरली देख रही होती हूँ कि क्या कॉमेंट्स आ रहे हैं सबके, क्या नहीं आ रहे। ठीक है, तो अपना सब ख्याल रखें, हम लोग इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।